कुछ रोज कब्ल दादो में सालों के हाथों मुबना कत्ल नौजवान मकतूल नवीद सोलंगी का मुकदमा दर्ज न होने खिलाफ वर्सा की दादो प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस में मौजूद अफसरान को मुकदमे में रुकावट बनने में मुलव्वस करार दे दिया। एसएसपी से नोटिस की अपील। उन मानी की मुखेरात कई तो मुझे खिलाफ इन्होंने पिटिशन दाखिल कई मुझे खिलाफ पिटिशन दाखिल कई सेकंड शीशन जज मुझे खिलाफ पिटिशन में उजारा अखन तो ये खी वह दादू मऊ मुझे नाले मुझे नाले गुलाम मुर्तजा फकीर गुलाम मुर्तजा सोलंगी ये मुझी नूह आ जो आज इनके धक् लगान इन जो सर्टिफिकेट रिंडाया तो वे वो भी इनमें पो कोर्ट इनमें हॉस्पिटल में पो जो सो हि वही पटी माना पिटिशन अज मुझे खिलाफ कई दाखिल मुझे पुट आ भाइटो आ उनके मत दाखिल कई हाँ मकतूल जो खून थी एफ आई आर जो ओज मल कटनी है खून की एफ आई आर ओज मल कटनी है सर्टिफिकेट केदी मल भी अचे खून थियल कतुल थियल जो उनके घुटा दिना वन पर उन एफ आई आर कटन खपजे ना ओज मल जो हे छोक मुझी नुह है धक् लगान उनका सब सर्टिफिकेट इन पिक्चर निकल जिते जिते धक् निकला एक्सरे वो सर्टिफिकेट अल अज था हिंसर था कलाक था बता माना एतरी माना इन अप्रोच आ इकबाल सोलंगी जो डी पी पी आ सीशन कोर्ट दादू में हाँ तुम बुधा तो इनके हिसाब गरीबन के कहो ढी पुलिस वुलिस जो भी वह पुलिस भी उनकी थी बुधे हे माना दर बदर थी अज मजबूर थी मां इन गजी आया माना केर गाल केर को केर चवनारो इन केर को जो इन नियाणी जो इंसाफ करे केर जी मुझे नालो मुमल सोलंगी आदा मुझे भा जो कत्ल थियो आ सा उनजे एफ आई आर कराने जे लाय दर दर घिटी घिटी रुलंदा था तो सन एफ आई आर ना हेदी थाणन ते वया हूं एडे होडे वया हूं अज केड़ो थाणो आ केड़ी अदा ए एसोसिएशन ए एस आई एसोसिएशन ते थियो जी हां पर अन्या ते असन मना ना हे या दाखिल थी एफ आई आर ना हे दाखिल थी आई असा वया हूं ओडे जो पीडीपी आ इकबाल सोलंगी वकील आ वो उन में कोशिशन कोर्ट में आ उन के जल्दी ता हटायो न को सन पीडीपी टीपीपी आ जो हां वो अस ता हटायो वने स को जो न ता स इंसाफ न तो मिले वरी उन भा जो बे मुख्तार आ कातिल जो भाव आ मुख्तार रहमान सो लगी एस आई वो थाने ते आ उरे धमकी उन के दई करे उन के अस जो केस दाखिल न था करन एस एच ओ जो को आ शायद पठान पठाना वो भी असा के एडा ओडा गाल बोल तो करे छे डेटा सन एफ आई आर दाखिल न तो थे तनी जांच थी हले तो इंक्वायरी थी हले हेडो सारो कत्ल थियो है न खानिया इंक्वायरी केडी था हेकन असन को इंसाफ ही न तो करे न कोई किथे दाखिल तो करे को केस न कोई असा न्याणे जी केर बुधे तो असन जो एकड़ो ही त भाव हुयो जो को असन केर मन न्याणे जो इंसाफ करण वारो ना है वकील भी हे लगा बैठान पुलिस वारा भी हे लगा बैठान मतलब इन के पोस्ट हुन त न्याणन की जे केसा भी जुल्म कंदा असन न बुधंदा ही असन का कुछ बुधन ही न था मेहरबानी करे मुझे आर्मी चीफ के गुजारिश आए ते असन ने इनके पीडीपी जो को वकील आ इकबाल सोलंगी उन्हें खान कोर्ट में हटाए और असन के केस पे फोकस करे असन भा के इंसाफ दियाराए अभी केड़ा केड़ा ता जी भा जी कत्ल के इल्जाम में आए मुख तौफीक अहमद सोलंगी जी हाथ में पिस्टल खणी करे और उन्हें के जवाबदार पुलिस साथी चवे उन्होंने पुलिस बस चेती गिरफ्तार था तुम्हारे भाई बस चयो जो पेरेडी ते मा कई प्रेस कई तो वो तो पेरेडी ते चयो हो तो ता जो ब मानु आइन गिरफ्तार पर अते जाहिर ना इन क्या तो को उन ले आए दस्या ही नाइन असा के बस जदी मला भी वणु तो थाणन ते इतरा चक्कर वया हु तो असा न्याणन जी का वैल्यू ही ना है अगर इनन वट एडी पोस्ट आ है तो इन मतलब यो तो मजलूमन सा है मजलूम कंदा रहंदा उनन के केर चवण वारो ना है उनके केर मना रोकण वारो ना है तनन वटे एडी वडी पोस्ट हुन त वो उनन जी जोर ते की बे मजलूम गरीब के सताईदा ही वे मुजी सबनी का आर्मी चीफ के गुजारिश आ है हैदराबाद वारे इने के डीआईजी के मुजी गुजारिश आ है एसपी दादू के मुजी गुजारिश आ है त असन ने केस ते फोकस कयो वने असन न्याणन जी दाऊ बुढियो वने असन जो इकड़ो मजलूम भा असन जो मजदूर भा के इनन मारे वा केर असन जी बुढे ही न तो मेहरबानी करे असन जी कोई त केर बुढे पेरन दे विच असा थाने ते वनी पाण के बायो जो भला को मने असा जे एफआईआर दाखिल थी नी पो दुश्मन कातिल पो बंद बा मने असा जे केर भी नबुत